हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, नवरात्रि चल रही हैं और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। विराट, कहाँ जा रहे हैं आप? आई के घर जा रहे हैं ना? नहीं, देखिए हम लोग नवरात्रि में अपने घर जाएंगे, वहाँ भी माता रानी रखती रहती हैं, बहुत मंदिर और मेला वगैरह भी लगे रहते हैं, तो हम लोगों को दिखाएंगे। देखिए तो ये देखिए सीमेंट वाली फैक्ट्री लगी है और इसमें कितना धुआं सा निकलता है, तो इधर से निकलते हैं हम लोग। तो ये बहुत अच्छा, मतलब इसमें मशीनें पूरा दिख नहीं रही हैं, नहीं तो उसमें पूरा दिखाई देता है। और इस कितने बड़े बड़े मतलब वो बने हुए हैं, देखिए सीमेंट कैसे बनती है, इधर एकदम धुआं सा पकाया जाता है क्या होता है। लेकिन बस थोड़ा सा ही व्यू दिखाया है और रास्ते का मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, बस थोड़ा सा। देखिए सम्राट विराट सो के जाग गए हैं और ये टॉफ़ी, देखिए टॉफ़ी दे रही है। पूरे रास्ते भर मतलब तो खाया और सोता रहा है ज़्यादा, क्योंकि सर्दी जुकाम हो गया है। और ये देखिए सिंगाड़े भी लिए हैं, हम लोग चित्रकूट पहुंच गए थे तो वहाँ ये सिंगाड़े लिए थे, उबले हुए सिंगाड़े, क्योंकि इस टाइम सर्दियों का मौसम लग गया है और सिंगाड़े बहुत अच्छे आते उबले। तो ये देखिए चित्रकूट हम लोग पहुँच गए हैं और देखिए चित्रकूट में ये बहुत सुंदर। और यहाँ ये देखिए माता का कुछ कलश यात्रा वगैरह है तो वो निकल रही थी। तो ये देखिए ये माता रानी रखी हैं और सब लोग बड़ा सा वो लगाए हुए थी, औरतें मतलब हर कलर की, मतलब एक साथ एक ही कलर में कपड़े पहने हुए थी। और देखिए चित्रकूट पहुँच गए हैं हम लोग, बस निकलने वाले हैं मार्केट में, तो यहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है। तो देखिए इस तरह से पीली साड़ी पहने हुई हैं औरतें और ये लगाए हुए हैं, हमारे यहाँ इसको पगड़ी बोलते हैं। और ये देखिए बाज़ार से, क्योंकि इधर बाज़ार में ज़्यादा टाइम लगता है, इसके बाद फिर हाईवे मिल जाता है, तो हाईवे से थोड़ा कम हो जाता है, जल्दी से पहुँच जाते हैं, और वैसे बाज़ार में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर। तो ये देखिए यहाँ तो बस एक घंटे लगेंगे और एक घंटे में ही हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से सीधा राट पहुँच जाएंगे, और उसके बाद फिर वहाँ से थोड़ा ही रह जाता है एक घंटे का रास्ता। तो ये देखिए हाईवे में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए हाईवे का व्यू थोड़ा सा ही मैंने वीडियो इसमें बनाया है, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है। उसके बाद हम लोग हम ससुराल पहुंच गए हैं, वहाँ मैंने माता रानी, हमारे यहाँ माता रानी सब जगह है, हर रास्ते में इसमें हर जगह माता रानी रखी और माता रानी के दर्शन करते हुए हम लोग पहुँचे हैं। और ये देखिए दोनों चश्मा लगाए सम्राट विराट सो गए थे, देखिए सामने से धूप आ रही है, क्योंकि 3-4 बज गया है तो ये सामने से धूप आने लगी है। तो विराट चश्मा लगा के लेटे हुए हैं और बैठे हुए हैं, उसके बाद बस थोड़ी देर में ही हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो ये देखिए और इतना लंबा पूरा मतलब पूरा दिन भर का रास्ता हो जाता है, तो बहुत थक भी जाती है। सम्राट को तो उल्टी ही हो गई थी, क्योंकि इतना गाड़ी से आते हैं ना तो पूरा दिन लग जाता है और बहुत थकावट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे का ही वीडियो बनाएंगे आप लोगों के साथ। तो ये देखिए ससुराल पहुंच गए थे और ये दूसरे दिन का ही वीडियो है, सुबह का मंदिर गए हैं, उसके बाद फिर घर की आके पूजा की है। तो देखिए हमारे भगवान जी के दर्शन कीजिए, श्री राधा कृष्ण लड्डू गोपाल भोलेनाथ सब भगवान, इतने भगवान हैं कि ऊपर से नीचे पूरी अलमारी भरी है। और ये देखिए दूसरे दिन शाम ही का वीडियो है, ये देखिए माता रानी के दर्शन कीजिएगा। नवरात्रि का टाइम इतना अच्छा लगता है, सब जगह माता ही रखी रहती हैं। तो ये देखिए इधर मैं हैं और मेरी जिठानी है और ये दीदी है पड़ोस की ही। तो ये देखिए पूजा दिया, जब यहाँ सब लोग रोज़ शाम को ही दिया लगाने आते हैं, बट मैं आज ही आई हूँ तो टाइम नहीं मिलता है, घर आके बहुत काम रहता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ दिया बत्ती लगा रही हूँ, उसके बाद मेरी जिठानी की लड़की है वही वीडियो बना रही है, तो थोड़ा फ़ोन इधर उधर कर दे रही है। और ये देखिए सब लोग बहुत अच्छा लगता है, घर आ जाते हैं और सब माता रानी के यहाँ मेला वगैरह भी लगता है, लेकिन वहाँ जाने का टाइम ही नहीं मिला है, घर में ही यहीं जो पड़ोस मतलब पास में ही माता ही रखी हैं तो वहीं जाते हैं। मंदिर अभी मंदिर भोले बाबा का मंदिर है इधर हजारेश्वर का, तो वहाँ भी जाएंगे, वहाँ का वीडियो, वहाँ रोज़ शाम को भजन कीर्तन होते हैं तो औरतें बैठी रहती हैं, सब लोग भजन कीर्तन करते हैं और संध्या करने के लिए आते हैं।
तो ये देखिए माता रानी को फूल वगैरह प्रसाद चढ़ा दिया है और दिया जलाएंगे और वो उसके बाद फिर हम लोगों की आरती होगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि का टाइम चल रहा है, माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। आप लोग कमेंट में कुछ भी नहीं लिखते हैं तो नवरात्रि चल रही है, तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी एक बार जय माता रानी का नाम ज़रूर लिखना। और चलिए अब करते हैं आरती। तो ये देखिए हम लोगों की आरती होने लगी है। हटवा दे मम्मी गाली और दीदी आपसे सुनती रहती सब क्यों हटो दीदी पीछे कर कोई भी भगवान के पास कोई मांगे पड़ी हो कभी भी करना। हम तो मांगे माँ तेरे बल के, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सारती ओ मैया, हम सब तारे माँ की आरती। अम्बे तुम्हें जगदम्बे काली, जय दुर्गे पत्थर वाली, तेरे ही गोने गाए भारती ओ मैया, हम सब लाइट कंटिन्यू इस छोटी सी फुलवारी में, इस छोटी सी फुलवारी में फूल खिलाए रखना मैया, तो समारे वाली हमको उठाने वाली, हंसते बनाने वाली, दुखियों के दुख भारती ओ मैया, हम सब तारे माँ की आरती। अम्बे तुम्हें जगदम्बे काली, तेरे आरती ओ मैया, हम सब तारे माँ की आप दूजने सेम साड़ी पहने। और ये देखिए यहाँ परिक्रमा पीछे से पंडाल के पीछे से जाते हुए माता रानी का परिक्रमा भी करते हैं। उसके बाद शनिवार का दिन था, तो शनिवार का दिन वो शनिदेव के लिए मतलब पीपल के पेड़ के पास दिया जलाएंगे, तो वहाँ भी गए थे। तो ये देखिए हम लोग पहुँच इधर ही पास ही में है शनिदेव का मंदिर, तो वहाँ पहुँच जाएंगे, तो वहाँ भी दिया लगाएंगे। और फिर मंदिर हजारेश्वर भोलेनाथ का मंदिर है, तो फिर वहाँ भी जाएंगे, वहाँ का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं पीपल के पेड़ के पास, और ये देखिए तेल का दिया जलाया जाता है यहाँ, और चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है शनिदेव को, चने गुड़ और काला तिल जो कुछ भी जिसको जग करना होता है। और ये देखिए तेल का दिया जलाएंगे यहाँ, और उसके बाद फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। ये अभी माता रानी के मंदिर आए हैं, उसके बाद भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे। तो ये देखिए आरती हो रही है और दिया जला दिया है। Oh,
हम लोग पहुंच गए हैं, घर पहुंच गए थे और घर आके पहले ही पूजा मतलब करके गए थे। तो उसके बाद आप लोगों के साथ देखिए मैंने इतना सारा वीडियो इलाहाबाद से लेकर के मऊरानीपुर तक का सबका शेयर किया है। और ये देखिए मेरे मंदिर की दर्शन कीजिए, देखिए बहुत सारे भगवान हैं, ऊपर से नीचे हलवाई पूरी भरी हुई है, श्री कृष्ण लड्डू गोपाल भोलेनाथ और माता रानी देखिए रखी हुई हैं। तो मंदिर सब जगह होकर के आ गए हैं और ज़्यादा देखिए आप लोगों के साथ कुछ मतलब शेयर किया है जो कुछ भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अभी यहाँ माँ बड़ी माता हैं तो वहाँ बहुत मेला लगता है, अगर टाइम मिलेगा तो वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि घर में ही इतना सुबह से काम रहता है तो जाने का टाइम नहीं मिलता है। और शाम को सम्राट के पापा कहीं चले जाते हैं तो फिर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है 1-2 किलोमीटर, तो किसी के साथ ही जाना पड़ता है, अकेले तो जा नहीं सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप लोगों के अगर जाएंगे तो आप लोगों के साथ बड़ी माता, वहाँ इतना सुंदर सजा रहता है और बहुत मेला लगता है, क्योंकि चूड़ी सबसे ज़्यादा वहाँ चूड़ी, क्योंकि माता रानी का मंदिर है। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय, हैप्पी नवरात्रि।